बदतमीजियों के छज्जे पे कानून का बुलडोजर चलता है उस वक्त धारा 144 लग जाती है। और यहाँ बोलिए, अभी तो जैसे हम लोग मीडिया में कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं भाई, कम से कम पूछ तो लीजिए कि रिकॉर्डिंग करना है कि नहीं। नहीं तो आपसे हम कुछ पूछ नहीं रहे हैं ना अभी आपसे। हम अभी मैं उपस्थित हूँ देवरिया जिले के भाटपा रानी रेलवे स्टेशन पर, जो पीछे दिखाई पड़ रहा है भाटपा रानी। 19 तारीख को एक घटना हुई, एक लड़की पूर्वी जो चंपारण है बेतिया वहाँ से चलती है ट्रेन से, और उसके साथ एक उसका बॉयफ्रेंड होता है। अचानक उन दोनों में बात विवाद होता है और कुछ कहा सुनी करने के बाद से वह लड़की इस भाटपा रानी रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और कुछ शायद रो रही थी। लोगों का कहना है कि रोते हुए, और कोई लोग बताते हैं कि एक ढाबा है वहाँ पर आप चले जाइए कि भोजन वोजन मिल जाएगा, कुछ उसके पास था नहीं। वह उसी क्रम में कुछ लड़के उसे बता देते हैं कि जाइए ढाबे पर चले जाइए, उसके बाद से वही लड़के फिर उस ढाबे पर जाते हैं और उस युवती के साथ गैंगरेप करते हैं, लगभग कुल 6 लोग मिल करके, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और ला करके उस ढाबे से फिर इस रेलवे स्टेशन जो प्लेटफार्म नंबर 1 है उसके एक सिटिंग बैठने वाला जो कुर्सी है उस पर रख देते हैं। तो चलिए, जो यहाँ की चाक चौबंद वाली जो व्यवस्था है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि चाक चौबंद वाली जो व्यवस्था है किस प्रकार की है, और स्टेशन जो मास्टर साहब हैं उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार का मामला था, क्या हुआ और इनकी क्या पहल थी, यह देखने वाली बात होगी। बोलिए, अभी तो जैसे हम लोग मीडिया में कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं भाई, कम से कम पूछ तो लीजिए कि रिकॉर्डिंग करना है कि नहीं। नहीं तो आपसे हम कुछ पूछ नहीं रहे हैं ना अभी आपसे हम। तो आपके और कोई अधिकारी होंगे ना यहाँ पे अथराइज होंगे? अधिकारी हम लोग रहते हैं, जैसे डिविजनल अधिकारी रहते हैं, जाके बनारस में बात करना पड़ेगा आपको। तो अगर यहाँ की कोई घटना होती है तो हम बनारस बातचीत करेंगे। बनारस यहाँ के लिए नहीं जाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमारे इंचार्ज हैं वो बताएंगे। और इंचार्ज कौन है सर? हमारे TI जो हैं, इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, वो बताएंगे। एक बात बताइए, यहाँ पर CCTV कैमरा है कि नहीं? यहाँ पे नहीं है, रेलवे द्वारा प्रोवाइड नहीं है। रेलवे द्वारा ही प्रोवाइड नहीं किया? ना ना। आप लोग कभी पत्र लिखे रेलवे? इसका तो अब सूचना आप वही देंगे, हम तो यहाँ नए आए हैं भाई अभी। देखिए, यही एक समस्या है भारत में, एक समस्या या विकराल रूप लेती है कि अगर जिस जमीनी मुद्दा पर अगर हम जा करके कोई बातचीत उठाते हैं, किसी प्रकार का कोई आवाज़ उठाते हैं, तो वहाँ पर एक ही आवाज़ आएगी, एक आपको उत्तर मिलेगा कि देखिए हम इसके लिए ऑथराइज नहीं हैं। अगर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, और पूछें तो किससे पूछें? चलिए, यहाँ पर तो कोई पुख्ता सबूत हमें नहीं मिला कि किस टाइप से था। अगर कोई कैमरा होता तो उसमें मालूम पड़ता कि कहाँ से कौन व्यक्ति लाया था और किस प्रकार से ले आया था। क्या समस्या थी आपको? अरे समस्या थी, जो हम लोग अंदर से आए और टॉयलेट करने के भी जगह नहीं है, वहाँ टॉयलेट में गए तो सब इतना गंदा है, इतना गंदा है, भाटपा स्टेशन का ये हाल है। देखिए लीजिए, भाटपा रानी रेलवे स्टेशन का यह हाल है कि मतलब पुख्ता इंतजाम नहीं है किसी भी चीज़ का। जैसे लेडीज अगर जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, तो कहाँ जाएंगी, जेंट्स तो इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन लेडीज कहाँ जाएंगी? बांध के रखा हुआ है क्या? वायर बांध बांध के सब बंद बंद कर कर रखा हुआ है, पूरा बंद है, पूरा बंद है। चलिए, इस चीज़ को बना है, वो पड़ा हुआ है, हम लोग वहाँ जंगल में गए थे। सबसे बड़ी यह समस्या है, मतलब यहाँ की जो समस्या है अभी हमने दिखाया आपको। हाँ, तो समस्या है तमाम, मतलब यहाँ पे समस्याएं हैं। पहले तो CCTV कैमरा नहीं है और अन्य भी मतलब और समस्याएं हैं, लेकिन कोई खुल करके बात करना नहीं चाहता है। आप बात करना करेंगे तो किससे करेंगे, यही के हैं आप? हाँ, चलिए आइए। अभी मैं भाटपा रानी थाने के जो ऑफिस है उसके ठीक आगे खड़ा हूँ, और जब बदतमीजियों के छज्जे पे कानून का बुलडोजर चलता है उस वक्त धारा 144 लग जाती है।
और यहाँ कुल मिला जुला करके मामला है, अब तक कोतवाल साहब नहीं है, जो थाना प्रभारी हैं वे नहीं हैं, कि जिसके कारण हम यहाँ पे आए थे लेकिन बातचीत नहीं हो पाया। तो अगर कोतवाल साहब आते हैं तो जल्द ही उनसे इस मामले में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।